Inspiration. साउंड इंसुलेशन ठीक है। देखिएगा ठीक है, साउंड जो होता है कुछ हैंड हार्ड मटेरियल होता है, देखिएगा कुछ कुछ हार्ड मटेरियल होता है ठीक है। तो इंसुलेशन मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इंसुलेशन मतलब क्या हो गया, कितना साउंड रोकना है या कितना साउंड रिफ्लेक्ट करना है, ये कौन करेगा, कोई ऑब्जेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी मटेरियल के मटेरियल का ही तो प्रॉपर्टी होता है कि वो साउंड कितना एब्जॉर्ब कर सकता है या कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ कुछ हार्ड मटेरियल्स होते हैं, कुछ कुछ मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स का अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर स्टील मैंने मेटल्स में मेटल्स या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट ले लो, मेटल इंक्लूडिंग हार्ड सब्सटेंसेस लाइक आपका स्टील हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो, कुछ भी मतलब एनी हार्ड सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस जितना हार्ड होगा ना वो साउंड उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकता, समझ में आ रहा, वो साउंड को उतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ठीक है, समझ में आ गया। तो साउंड एब्जॉर्ब कौन करेंगे, अच्छे एब्जॉर्बर कौन होंगे, जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, पोरस होते हैं ठीक है, गद्दे वाले स्पॉन्जी मटेरियल होते हैं, वो क्या होते हैं, साउंड को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब, समझ में आ गया। एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया, एनी सॉफ्ट मटेरियल, घर का पर्दा हो गया, वो भी क्या होगा, घर का पर्दा होगा वो भी साउंड को कम से कम क्या करेगा, कम से कम रिफ्लेक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ठीक है, समझ में आ गया। आप बहुत बड़े बड़े हॉल में देखोगे कि मतलब कारपेट बिछा देते हैं साउंड इंसुलेशन के लिए, क्यों कारपेट बिछा देते, आप कई हॉल में जाना देखना, साउंड वहां जहां ज्यादा होता है वो कारपेट बिछा देने से वो सॉफ्ट होता है, तो साउंड क्या होगा वो कम से कम जो होगा वहां पर होती है, रिफ्लेक्ट होगी, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो साइलेंस मेंटेन वहां पर रहता है, दिस इज द रीजन, समझ में आ गया मैंने क्या बोला। तो जितना साउंड एब्जॉर्ब ज्यादा होगा उतना साउंड का रिफ्लेक्शन कम होगा, और अगर हार्ड मटेरियल हो सब जगह वो तो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा साउंड। आप खुद देख लो ना, आप एक गद्दा बिछा दो, एक बॉल को छोड़ो गिराओ, वो बहुत कम दूरी तक जंप करेगा, पर एक हार्ड मटेरियल होता है जो देखो कितना जंप करता है, मुंह पे लगेगा, समझ गए, क्लियर, फेंकोगे जोर से तो लगना है। तो द थिंग्स इज दैट आपको बात समझ में आया, सॉरी क्लियर हुआ बात हमने क्या बोला, तो द थिंग्स इज दैट, तो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड प्रोड्यूस, अच्छा अगर साउंड का कोई अच्छा रिफ्लेक्टर होगा तो वो इको भी प्रोड्यूस करेगा। इको क्या होता है पता है, हमारे साउंड हमें ही सुनाई देती है ठीक है, रिपीटेशन ऑफ साउंड, रिपीटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। हम यहां एक चीज लिख सकते हैं ठीक है, हार्ड सब्सटेंसेस ठीक है, लाइक कुछ भी ग्लास, स्टील, ब्रिक्स, सम मेटल्स लाइक आयरन ठीक है, आयरन और जो भी मेटल्स होते हैं एक्सेट्रा आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। वो साउंड का एक अच्छा रिफ्लेक्टर तो दीज आर कॉल्ड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। अब देखिए इसके बाद सॉफ्ट सब्सटेंसेस, सॉफ्ट देखो, सॉफ्ट सब्सटेंसेस बोल सकते हो और मोर फ्लेक्सिबल जो होता है वो भी चलता है, तो सॉफ्ट सब्सटेंसेस लाइक कर्टेंस ठीक है, कार्पेट ठीक है, सम क्लोथ्स लिखना आर
बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड बस तीन हो गए सर इरेज कर दे छोड़ ये साउंड का जो है बुरा रिफ्लेक्टर होता है साउंड को आसानी से रिफ्लेक्ट नहीं करते बट गुड ऑब्जर्वर ऑफ साउंड बट गुड ऑब्जर्वर ऑफ साउंड ठीक है गुड ऑब्जर्वर ऑफ साउंड तो ठीक है अब एक चीज देखिए इसके बाद एक टर्म है ठीक है बहुत सारे प्लेसेस में साउंड इंसुलेशन जरूरी होता है जैसे मैंने आपको बताया हॉल में हॉल का केस बताया था जरूरी होता सर सिलेबस हाँ सुनना लगाने तो देखिए होता क्या है कि हॉल या बड़े बड़े ऑडिटोरियम में क्या तो ऑलरेडी नॉइज क्रिएट होते हैं तो क्या आप वहां चाहेंगे कि आने वाले ऑडियंस भी नॉइज क्रिएट करें नहीं चाहेंगे ना तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए देखते हो ना सॉफ्ट मटेरियल नीचे लगा देते हैं अवॉइड करने के लिए नीचे जिससे कि साउंड का रिफ्लेक्शन कम हो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो आप खुद देखिएगा साउंड एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो नॉइज कम क्रिएट होगा तो साउंड इंसुलेशन उसी को बोलते हैं कि साउंड को हमें कम प्रोड्यूस होने देना है इंसुलेशन वही है साउंड को हमें कम प्रोड्यूस होने देना है दैट इज एक्चुअली द इंसुलेशन ऑफ साउंड ओके तो इंसुलेशन मतलब क्या हमें उसको बाहर नहीं जाना है हमें उसको प्रोड्यूस करने से रोकना है तो रोकोगे कैसे जितना सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल आप डालोगे उतना तो साउंड कम प्रोड्यूस होगा ना उतना तो ऑब्जर्व होगा और घर में जितना हार्ड हार्ड सब साउंड तो और नॉइज क्रिएट होगा तो सर और हॉल में तो ऑलरेडी नॉइज होता है सर वो साउंड के बाद क्या लिखते हैं कहां सर नीचे वाला ये हां बट 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 बी यू दिस इज बट ठीक है क्लियर समझ में आई नाउ कम टू द इको अब देखिए इको क्या होता है साउंड का रिपीटेशन देखो कभी कभी आप देखोगे ना जो शॉर्ट शॉर्ट जगह होंगी छोटे छोटे जगह वहां पे इको नहीं सुनाई देगा बट जो लार्ज रिफ्लेक्टर होते हैं इको वहां से सुनाई देता है क्योंकि साउंड जो होता है ना साउंड का थोड़ा सा ये बोलोगे वेवलेंथ को थोड़ा सा बड़ा होता है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए भी बड़ा सरफेस का जरूरत पड़ता है तो आप ये छोटे छोटे बोलोगे इको सुनाई देगा वो नहीं पॉसिबल है इको सुनाई देने के लिए एक तो या तो एम्प्टी रूम होना चाहिए खाली रूम होना चाहिए यानी तो रिफ्लेक्टर एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए अब इसी एरिया में जाओ आपको सुनाई पड़ेगा क्योंकि और एक कंडीशन है इको सुनने के लिए जो जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और जैसे रिफ्लेक्टर हम साउंड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या रिफ्लेक्टर हमारे से प्रोड्यूस हो रहा है वहां से रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आएगा तो हमसे रिफ्लेक्टर के बीच का कम से कम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए 17 मीटर होना चाहिए तभी हमें इको सुनाई पड़ेगा 17 और नहीं तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगा क्लियर समझ में आ गया क्यों 17 मीटर होना चाहिए क्योंकि साउंड का स्पीड होता है 334 मीटर पर सेकेंड और अगर 1/10 सेकेंड के अंदर साउंड कान में आ गया तब ओरिजिनल साउंड और जो हम आप आ रहा है साउंड साउंड का जो रिफ्लेक्शन है उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता हमारा ब्रेन जो होता है 1/10 सेकेंड के अंदर आने वाले साउंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता क्योंकि 1/10 सेकेंड ऐसे ही कम समय है एक सेकेंड का 10th पार्ट तो कितना कम होगा अंदाज करो अगर 1/10 के अंदर भी आ गया तो क्या आपने जो छोड़ा साउंड और जो आ रहा है उसमें आप क्या डिफरेंस कर पाइएगा कुछ नहीं डिफरेंस कर पाइएगा तो 1/10 सेकेंड या ठीक उसके बाद साउंड आना चाहिए और जानते हो 334 मीटर पर सेकेंड होता है तो 1/10 सेकेंड में 33.4 जाएगा और जाने आने में दो सेम डिस्टेंस टू टाइम्स कवर करेगा तो 33.4 डिवाइडेड बाय 2 कर दो 17 के अप्रोच आ जाएगा आपका आ जाएगा दैट इज 17 मीटर तो ठीक है ना इसके बाद हम एक और ठीक है रिपीटेशन ऑफ साउंड ऑफ साउंड
is ball echo. समझ में आ गया, साउंड का रिपीटेशन इको है और ज्यादा कुछ नहीं है, रिपीटेशन और साउंड इज कॉल्ड इको, ठीक है। इसके बाद देखते इको सुनने का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन कंडीशन गुड, ठीक है। दैट मीन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टर मस्ट बी 70 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट कम आफ्टर 1/10 सेकेंड ऑफ ओरिजिनल साउंड ठीक है, समझ में आ गया। ये दो कंडीशन होना ही चाहिए, ये दो कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, ये समझ गए। ओके सो दिस शुड बी द कंडीशन, ओके। तो ये हो गया कंडीशन। अब यहां देखिए, अच्छा इसको पहले लिख लीजिए सर। हाँ, लिसन टू मी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तुम कंसंट्रेट करिए। देखिए, सपोज करो कोई बॉडी ऐसा वाइब्रेट हो रहा है, आप इमेजिन करो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, इट्स वाइब्रेटिंग लाइक दिस। यस सर। इनिशियल फेज में जब वाइब्रेट करेगा तो ऐसे कंप्रेस होगा, मतलब ऐसे मूव करेगा, देन ऐसे मूव करेगा। तो जब ऐसे मूव करेगा तो आप एक अंदाज करिए कि जो ए प्लेस पे एयर पार्टिकल है उसको वो बी के करीब में ला देगा, बी के पास आएगा। तो थोड़े समय के लिए क्या होगा, ये एयर पार्टिकल काफी क्लोज आ जाएंगे। तो देखो होगा क्या, उससे रिजल्ट क्या निकलेगा, उससे यही होगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल होगा यहाँ काफी कंडेंस हो जाएगा, एकदम पास पास में आ जाएंगे, एकदम पास पास में आ जाएंगे, अंदाज कर लो। बहुत सारे बच्चे हो, अगर हम क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, कंडेंस्ड हो जाओगे ना, बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हम इसको ऐसे करेंगे कितने सारे पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, अरे ऐसे वाइब्रेशन होगा ना, तो एयर पार्टिकल दिखता नहीं, बट हम समझाने के लिए हम डॉट बनाया है। तो ऐसा करेंगे तो ये दिस पार्टिकल इस साइड वाला बी के एकदम क्लोज में आ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये जो रीजन होगा, ये कंप्रेशन यहाँ क्रिएट हुआ, कंप्रेशन। अब जब कंप्रेशन हुआ तो यहाँ पर तो पार्टिकल पर प्रेशर पड़ेगा ना, ये बी पॉइंट पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, तो क्या होगा, बी अपने आप को प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, बी सी के करीब में आ जाएगा और यहाँ पर फिर रियर हो जाएगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, पार्टिकल्स कम एयर पार्टिकल हो जाएंगे। तो बी अब कहाँ कब चला है, सी पर, और यहाँ पर क्या होगा, एयर पार्टिकल्स कम हो गए, ठीक है। तो ज्यादा कंडेंस कहाँ हो गए, यहाँ ज्यादा कंडेंस हो गए। अब समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा कंडेंस हो गए पार्टिकल, या फिर कंडेंस हो गए। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ रियर फ्रैक्शन क्रिएट हो गया, यहाँ रियर फ्रैक्शन क्रिएट हो गया और यहाँ कंप्रेशन क्रिएट हो गया। तो देखो वेव कहाँ था, यहाँ आ गया, पार्टिकल नहीं आया, वेव आया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पार्टिकल नहीं मूव किया, वेव किया। तो वेव कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब देखो जब या अब इसी पर प्रेशर पड़ेगा,
सी पर प्रेशर पड़ेगा तो सी अपने आप को फ्री करने की कोशिश करेगा तो सी किसके पास आ जाएगा जी के पास। तो जब सी जी के पास आ जाएगा तो यहाँ का रीजन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ का रीजन रियल हो जाएगा, कम हो जाएगा और यहाँ पार्टिकल ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। तो यहाँ फिर कौन सा रीजन क्रिएट हो गया, रियल सेक्शन, यहाँ कंप्रेशन। तो देखो कहाँ वेव था कहाँ चला आएगा, समझ में आ गया। अब फिर डी पर आएगा तो डी अपने आपको प्रेशर फ्री करने की कोशिश करेंगे तो डी ई के करीब में आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, काफी कंप्रेस हो गया पार्टिकल और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मैंने रियल फ्रैक्शन हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर वेव चला है, ऐसे ही ये जो वेव हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक साउंड वेव ट्रेवल करता है और ये अपने साथ जो होता है ह्यूज एनर्जी लेके आ जाता है जिसकी वजह से हमारे एयर ड्रम तक वाइब्रेट करता है। आप देखते हो ना जहाँ लाउड स्पीकर बजता है थोड़े से उसे साउथ साइड साइड से प्लस करो ना आपको वाइब्रेशन फील होगा। हाँ सर, वाइब्रेशन काम का पता लगता है, पार देगा। क्यों? क्योंकि वो जो वेव आता है ये वेव ऐसे ही ट्रैवल करता है, ये जो वेव आता है साउंड का, ये जो वेव अपने साथ एनर्जी कैरी करके लेके जाता है, समझ ना रहा। और ये साउंड वेव इतनी एनर्जी होती है कि अब देखो कभी भी एटॉमिक या कोई एक्सप्लोजन होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान साउंड करता है, साउंड का वेव करता है, समझे। साउंड पे इतनी पावर है कि वो ग्लास तक को ब्रेक कर देता है। साउंड है सच ए पावर, इट कैन ब्रेक द ग्लास। अगर एम्पलीट्यूड यानी जब उसका एम्पलीट्यूड बहुत हाई बढ़ जाता है, मेरे कहने का मतलब यही है, इवन साउंड वेव्स ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, इट कैरीज सम एनर्जी विद इट, बट कीप इट इन माइंड, पार्टिकल डू नॉट प्रोपेगेट फ्रॉम दिस, पार्टिकल नहीं आएगा, बार बार बता रहा हूं, केवल वेव ट्रैवल होगा और हमें साउंड सुनाई पड़ेगा। तो दिस इज हाउ साउंड प्रोपेगेट, ठीक है। अब मैंने आप लोग को ये लिखाया है कॉपी में कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, होपफुली यू कैन चेक, मैंने लिखा है लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड ट्रांसवर्स वेव, नहीं लिखा। तो सुनो, तो साउंड जो होता है ना, साउंड का नेचर होता है, साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव इज longitudinal wave, समझ में आ गया। क्यों longitudinal wave, मैं आपको पहले बता देता हूं, longitudinal wave होता है, देखो पार्टिकल का वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में होगा आगे पीछे, ऐसे ही होगा ना पार्टिकल का वाइब्रेशन। तो जब पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा पार्टिकल का वाइब्रेशन, पर जानते हो साउंड भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है आगे पीछे, समझ में आ रहा है। पार्टिकल का तो ऐसे ना वाइब्रेशन कर रहा ना, तो जब पार्टिकल का जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होगा और उसी डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करेगा तो हम बोलेंगे ऐसे वेव्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि एयर में क्रिएट होते हैं, विच इज साउंड, समझ ना। तो जब पार्टिकल का प्रोपेगेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिधर वेव ट्रेवल करे तो हम उस टाइप के वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, समझना। जैसे वेव क्रिएट इन द साउंड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, पर याद रखो और एक टाइप का वेव होता है जिसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव वाटर में क्रिएट होता है, तो ट्रांसवर्स वेव में देखोगे जब पार्टिकल जब आप डिस्टर्ब करोगे तो देखना रिपल क्रिएट होगा पानी में, ऐसे ऐसे रिपल क्रिएट होगा। पर जानते हो पार्टिकल का प्रोपेगेशन कैसे होगा, ऐसे ऐसे पार्टिकल अप एंड डाउन जंप करेगा। तो ये जानते हो ये पार्टिकल का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन और ये वेव का डायरेक्शन दोनों में के बीच में 90 डिग्री है ना, ऐसे वेव को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स जो कि वाटर में क्रिएट। तो साउंड कभी ट्रांसवर्स वेव नहीं होता, साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट इन द वाटर इज ट्रांसवर्स, समझ गया क्या मैंने क्या बोला, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव होता है जैसे मान लो कि आपने पानी में कोई ड्रॉपलेट छोड़ा, पत्थर छोड़ा, तो वो उस जगह के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, तो जानते हो उस जगह का पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे हाँ, और रिपल कैसे क्रिएट होगा, ऐसे ऐसे क्रिएट होगा, देख देखना। अब जाओ कैसे पता चलेगा आपको ऐसे ही पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, आप एक कोई प्लास्टिक का सामान उसमें रख दो, देखो उसका ऑसिलेशन से समझ में आ जाएगा, कुछ भी यदि हल्का सा जो फ्लोट करे पानी में, तो ऐसे ऐसे प्रोपेगेट करेगा और वेव किधर जाएगा, इस तरह, तो दोनों के बीच में देखोगे 90 डिग्री एंगल होगा, ऐसे वेव्स कहलाते हैं ट्रांसवर्स वेव, which is created only in the water, but sound is longitudinal wave because it creates in air, क्योंकि sound के में क्या होता है, particle ऐसे propagate करेगा और wave भी वहीं propagate करेगा, clear, समझ में आ गया, ठीक है।
ओके सर मैं मोनोटोन बताया थैंक यू सर थैंक यू सर मोनोटोन हो गया मतलब जो ऐसा साउंड जो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड जो एकदम एक फ्रीक्वेंसी का समझ आ रहा है सुना देता है जब गाना पे पड़ा हो एक मोनोटोन ठीक है अब पॉलीटोनिक साउंड क्या होता है ऐसे साउंड जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के साउंड वेव्स मिले होते हैं पॉलीटोनिक होता है बहुत सारी फ्रीक्वेंसी ठीक है और एक फ्रीक्वेंसी वाला क्या होता है मोनोटोन ओके ओके सर ठीक है समझ में आ गया हां सर ठीक है सर कॉपी चेक ओके Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much, students. We will continue the next class. Okay, sir.